प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले की मतदाता सूची पुनरीक्षण की समीक्षा की। गोरखपुर के एनआईसी सभागार में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जिलाधिकारी के विजयन पांडेयन, एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव, एसडीएम चौरी चौरा त्रिवेणी प्रसाद वर्मा, बांसगांव अरुण कुमार मिश्रा, गोला अरुण कुमार सिंह, कैंपियरगंज मनोज तिवारी, खजनी विपिन कुमार, तहसीलदार सदर डॉक्टर संजीव दीक्षित सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्य चुनाव अधिकारी ने कहा कि अभी वोटरों को आईडी जल्द से जल्द आधार कार्ड से लिंक किया जाए तथा मतदाता सूची को नए सिरे से अपडेट किया जाए। हमारे एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब से लेकर के लेखपाल तक, हमारी फिगर्स को पढ़ाते हैं, फिगर्स को इम्प्रूव करते हैं, उनको आगे ऑर्गेनाइज करके कम से कम 10 दिनों में ऐसा करते हैं कि हम राष्ट्रीय औसत के ऊपर नेशनल लेवल पे वहाँ पे बिल्कुल भी फील्ड वेरिफिकेशन और किसी भी किसी तरह का भी कार्य नहीं होगा। आप लोग क्लियर नहीं है, बाइकोल वाले जिले में अभी कार्रवाई नहीं होगी, कॉन्स्टिट्यूएंसी में होगी 26 तारीख को। इसका ध्यान रखिएगा कि मतलब कहीं जहाँ पे जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में बाइकोल है वहाँ पे बीएलओ घर घर जाकर सत्यापन वगैरह कोई कार्रवाई न करे। दूसरा चीज अनिवार्य रूप से दें जिसको अपना कंसेंट दे रहा है, क्योंकि कुछ जिलों की शिकायतें आई है चुनाव आयोग से कि इन्होंने किस एक्ट के तहत कंपलसरी किया है, कुछ जगह की उन लोगों ने लिख के भेजा भी है, कानपुर नगर करते रहेंगे तो आपका 25,000 से ऊपर एवरेज आएगा। इसको जरूर देखिएगा क्योंकि स्टेट एवरेज अब हमारा 12% से ऊपर है, परंतु कुछ जिले जिनको आज हम लोगों ने नहीं बुलाया है वहां पे 45% भी एवरेज है, कई जगह 47% आपके साथ हम लोग शेयर कर रहे हैं। तो इसको दिखवाना जिस हिसाब से आपका चार्ट इन एवरेज आया है उससे अच्छा है। ठीक सर, करा लेंगे सर।